दोस्तों इनसे पूछते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं। मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट। तो बागेश्वर बाबा जैसा हम लोग भी इनका पर्ची निकालते हैं और देखते हैं इनके नसीब में क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आर एस टेलर में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों हमारे इस दुकान में जो भी कस्टमर आते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। दोस्तों आप लोग से बता दें, ये जो हमारे कस्टमर आए हैं और दोस्तों इनका जो हम लोग काम किए हैं, दोस्तों देख सकते हो ये शेरवानी जो हम लोग बनाए हैं 100% फिटिंग की गारंटी लेते हैं हम लोग। और दोस्तों फैब्रिक की गारंटी हम लोग 5 साल की लेते हैं। दोस्तों आप लोग से बता दूँ, ये जो हमारे कस्टमर है बहुत अच्छे कस्टमर हैं। और दोस्तों आज इनके नाम से हम लोग पर्चा खोलेंगे, जैसे बागेश्वर बाबा पर्चा निकालते हैं वैसे ही हम लोग भी इनका पर्चा निकालेंगे इनके नाम से। दोस्तों देखते हैं इनके नसीब में क्या है। और दोस्तों इनके नसीब हम आजमाते हैं और इनका नाम पूछते हैं। पहले आपका क्या नाम है? अभय कुमार दुबे। दोस्तों इनका नाम है अभय कुमार दुबे। दोस्तों इनसे पूछते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ये बिहार से और सिवान से हैं। दोस्तों अब इनका पर्चा निकालेंगे और देखते हैं इनका नसीब में क्या है और इनके नसीब में क्या आता है। दोस्तों तो अभी मैं पर्चा लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये देख सकते हैं ये है पर्चा, और इस डब्बे में से पर्चा निकालेंगे वो, और इस डब्बे में से देखेंगे उनका नसीब में क्या आता है। दोस्तों आप लोग आइए। दोस्तों बागेश्वर बाबा जैसा हम लोग भी इनका पर्ची निकालते हैं और देखते हैं इनके नसीब में क्या है। तो आप निकालिए एक पर्ची और देखिए इसमें क्या नंबर है, और नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये देखते हैं इनके हाथ में जो पर्ची है इनके नसीब में क्या है, हम लोग इनका नसीब आजमाते हैं। क्या लिखा हुआ बताइए? 001 001 लिखा हुआ है। दोस्तों देखते हैं इनके नसीब में क्या है। आप आइए और यहाँ पे आइए यहाँ पे और इसमें मैच कीजिए, जो भी यहाँ पे आपके गिफ्ट रखे हुए हैं इसमें 001 आप चॉइस कीजिए कौन सा है। देखिए 001 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, 001 RS टेलर 001। दोस्तों अब इसको ये खोलेंगे और देखते हैं इनके नसीब में क्या है। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन कस्टमर है और हम लोग देखते हैं इनके नसीब में क्या है। आइए यहाँ पे खोलिए, यहाँ पे रख के खोलिए। दोस्तों जो हमारे कस्टमर होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं, और दोस्तों आज देखते हैं हमारे कस्टमर के नसीब में क्या है और क्या इसमें निकलता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉस्टली होगा हम लोग उम्मीद करते हैं। दोस्तों और खोलिए क्योंकि बहुत अच्छा पैकिंग हुआ है, बहुत बेहतरीन पैकिंग हुआ है। तो दोस्तों ये निकाल चुके हैं आप लोग देख सकते हो। वाओ वाओ वाओ, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वाओ क्या निकला है बताइए। जय श्री राम जय सीताराम जय सीताराम, ये बहुत अच्छा मुझे लगा जय सीताराम। और मैंने कल्पना भी की थी कि जय सीताराम का ही निकलेगा, भगवा 22 तारीख को ही फहराया जाएगा। वाओ वाओ, इसी 22 तारीख को मैं बहुत खुश हूँ। और पहली बात है कि इनका मैं पुराना बहुत बहुत पुराना कस्टमर हूँ, प्लस इनसे मेरे राजा भाई इनका नाम है जी। और हमारे बड़े भाई भी और हमारे एक मझले भाई भी हैं राजा उपाध्याय जी भी जी। यहाँ से हम लोग बहुत पुराने परिचय हैं और अच्छे कपड़े सीते भी हैं। बाइक में लगेगा सर, इतनी गली में सब बाइक में इनको दे दिया जाएगा। यहाँ पे नट बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे वो बाइक का हैंडल में लग जाएगा जी सर। जय श्री राम जय सीताराम। तो देख सकते हो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों ये इनके नसीब में आया है और इसी जनवरी में 22 तारीख को अयोध्या में भाग मतलब उनका जो प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा इसी 22 जनवरी को जी। तो आपको कैसा लगा ये आपके नसीब में? ये बहुत 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 जय सीताराम नसीब में आए, ये बहुत बहुत खुशी की बात है। और राजा भैया ने मौका भी दिया मुझे गिफ्ट खोलने का, बहुत अच्छा लगा मुझे, इससे बढ़िया और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता मेरे शादी की। थैंक यू सो मच। और दोस्तों इनकी शादी अगले महीने में ही, जो कि इनको मैं बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमें मौका दिए कि हम लोगों को शेरवानी बनाने का मौका मिला इनके साइज का और बेहतरीन। और दोस्तों इनका हम लोग कोट पैंट भी बनाए हैं, अभी जोधपुरी भी बनाए हैं। दोस्तों 3 पीस इनका बना हुआ है दोस्तों, और बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार कस्टमर रही हैं और पुराने कस्टमर हैं, जो कि आज इनके नसीब में ये जो जय श्री राम आए हैं। दोस्तों जनवरी है, जनवरी का महीना है और इसी 22 को
दोस्तों अयोध्या का जो राम मंदिर जो बना हुआ है उसी का उद्घाटन है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसी महत्वपूर्ण बात से दोस्तों हम लोग ये जो स्टार्ट किए हैं, जो भी हमारे कस्टमर आते हैं वो भगवान का रूप होते हैं और दोस्तों उनको अच्छे से अच्छे रिस्पेक्ट देने का और अच्छे से अच्छे मतलब उनको खुश करने का जो हम लोग का ये फार्मूला हम लोग जो अपनाए हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी हमारे कस्टमर आते हैं उनको हम लोग ऐसे कुछ गिफ्ट दें और दोस्तों उनको किस्मत आजमाएं कि उनके किस्मत में क्या है। दोस्तों आज इनके किस्मत में जय श्री राम था। जय सीताराम, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही।